तो दोस्तों 8 जिलों का कल की डेट में पेमेंट आया है और बिल भी पास हुआ है जुलाई का, और इसके साथ ही दोस्तों अगस्त बिल पास के भी अपडेट लाए हैं। तो साथियों बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फॉरम बहुत से साथियों के रिजेक्ट भी हुए हैं, तो वह ऐसे साथी हैं जिन साथियों को इंटर्नशिप मिल चुकी थी और वह ज्वाइनिंग नहीं किए हैं या फिर ज्वाइनिंग लेटर अपलोड नहीं किए हैं SSO ID पर, इसलिए उनका बता रोक दिया गया है, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो साथियों आप ऐसी गलती ना करें, और जिन साथियों को इंटर्नशिप मिल चुकी है तो वह जल्दी से इंटर्नशिप ज्वाइन कर ले और अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने SSO ID पर अपलोड कर दे ताकि उनका बेरोजगारी भत्ता रोका ना जाए। बाकी साथियों बात कर लेते हैं बिल पास की। तो साथियों हमने आपको 13 जिले पिछले वीडियो में बता दिए थे जिनके जुलाई 2022 के बिल पास हो गए थे, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सवाई माधोपुर ज़िले का बिल पास हुआ है और उसके अलावा अभी तक किसी भी ज़िले का बिल पास नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस ज़िले को मिलाकर कुल 14 जिले ऐसे हो गए जिनका जुलाई 2022 का बिल पास हो चुका है। बाकी साथियों पेमेंट की बात की जाए तो देर रात को भी कुछ ज़िलों के पेमेंट आते रहे। साथियों वो कौन कौन से ज़िले हैं जिनके देर रात को पेमेंट आए हैं तो देख सकते हो साथियों यहाँ पर आप। सबसे पहले अलवर ज़िले का रिटर्न पेमेंट आया है जो कि पहले भी पेमेंट आ चुका था, उसके बाद में भी फिर रात को पेमेंट आया था, और उसके अलावा साथियों यहाँ पर देख सकते हो बांसवाड़ा ज़िले का भी पेमेंट आ चुका है। और इसके अलावा अगले ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिरोही ज़िले का भी पेमेंट आ चुका है फीमेल कैटेगरी का, और इसके अलावा साथियों बाड़मेर ज़िले का भी पेमेंट आ चुका है जुलाई का, और इसके अलावा साथियों यहाँ पर देख सकते हो जैसलमेर ज़िले का भी पेमेंट आ चुका है जो कि मेल कैटेगरी का है। और अगले ज़िले की बात की जाए तो साथियों यहाँ पर देख सकते हो बीकानेर ज़िले का दोबारा से फिर से पेमेंट आया है जो कि 8,000 रुपये पेमेंट आया है। तो साथियों ये मेल कैटेगरी के कैंडिडेटों का पेमेंट है जो कि 2 महीने का एक साथ जुड़ के पेमेंट आया है, जो कि इनका पहले जून का पेमेंट नहीं आया था तो उनको मिलाकर जुलाई और जून का दोनों का मिलाकर 8,000 रुपये पेमेंट आ चुका है। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर देख सकते हो धौलपुर ज़िले का भी फीमेल कैटेगरी से पेमेंट आया है। ये सभी ज़िलों का पेमेंट कल की डेट में आया है। तो साथियों इन ज़िलों को मिलाकर कुल 10 जिले ऐसे हो गए जिनका जुलाई 2022 का पेमेंट आ चुका है खाते में। बाकी साथियों इसके अलावा अगस्त बिल पास की बात की जाए तो जिन साथियों का जुलाई बिल पास होकर पेमेंट खाते में आ चुका है तो उनका उन साथियों का अगस्त बिल भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप टेंशन ना करें। बाकी साथियों जुलाई की अब तक की अपडेट में 14 जिलों का जुलाई बिल पास हो चुका है और 10 जिलों का पेमेंट आ चुका है, तो आप देख सकते हो लगातार पेमेंट भी बहुत जल्द आ रहे हैं। तो साथियों ऐसा ही चलता रहा तो ये शायद अगले वीक तक सभी ज़िलों का बिल पास हो जाएगा और पेमेंट भी आ जाएगा। बाकी आपको पता है नागौर ज़िले का और सीकर ज़िले का हर बार लास्ट में रह जाता है, तो शायद देखते हैं इनका भी कब तक बिल पास होता है। अभी तक नागौर ज़िले का तो जून का बिल भी पास नहीं हुआ है। बाकी साथियों यही बेरोजगार भत्ते की अपडेट है अब तक की। बाकी आपको पता है छुट्टी के दिन भी कई बार बिल पास होते हैं, तो आज किसी भी ज़िले का बिल पास होता है तो हम आपको उसकी भी अपडेट दे देंगे। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।